जबलपुर की जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजे की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। दरअसल अयोध्या जाने वाली हर ट्रेन में तलाशी अभियान चल रही है। उसी अभियान में रेलवे पुलिस ने शक्तिपुंज एक्सप्रेस से तीन युवकों को हिरासत में लिया है, जो एक बैग में भरकर 12 किलो गांजा की तस्करी कर रहे थे। वहीं जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर जो जीआरपी है, आरपीएफ है, लगातार संयुक्त कार्रवाई करके लगातार बड़ी कार्रवाइयां कर रही है। इसी कड़ी में जो गोवा जाने वाली एक गांजे की बड़ी खेप को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो गांजे की खेप है, ये जो पूरी है, ये शक्तिपुंज एक्सप्रेस से यहां पर जब्त की गई है। और इसके साथ ही यहां पर एक औपचारिक बालक सहित दो आरोपियों को, जो गांजा तस्कर हैं, उन्हें यहां पर गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इसरार मंसूरी जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं भाई साहब, ये क्या पूरा ये मामला था? और ये कल संयुक्त अभियान एसपी सिमाला प्रसाद के नेतृत्व में और कमांडेंट साहब के आदेशानुसार एक संयुक्त अभियान आरपीएफ और जीआरपी द्वारा चलाया गया था, जिसपे टीआई बलराम सिंह साहब ने अपनी टीम के साथ में और इरफान मंसूरी साहब और अरविंद के सिंह आरपीएफ के, इनके द्वारा जो है तो प्लेटफॉर्म पे चेकिंग की गई, तो शक्तिपुंज से दो व्यक्ति दो बैग लेकर के मिले, जिनके पास की तलाशी लेने पे उनके पास में लगभग 12 किलो अवैध गांजा कीमती 2,40,000 रुपए का जब्त किया गया। और ये झारखंड से लेकर के जा रहे थे और गोवा इसको पहुंचाने जा रहे थे। इनके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं? इनके तार झारखंड से और आपके गोवा से जुड़े हुए हैं, जिसपे आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या तैयारियां यहां पर की जा रही हैं? पूरी तैयारी की जा रही है और चाक चौबंद व्यवस्था आरपीएफ और जीआरपी दोनों के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, ये थे इसरार मंसूरी जी, इनका यहाँ पर साफ कहना है। जो हाल ही में लोकसभा चुनाव यहाँ पर आने वाले हैं, उसको लेकर हर ट्रेनों की यहाँ पर चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है और जो अवैध कारोबारी हैं उन पर यहाँ लगाम लगाने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह।